हाय दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। ये मैं 7 साल पहले नशे में पड़ गया था। मैं ब्राउन शुगर लेने लग गया था, ठीक है, जिससे मेरा जीवन बहुत ख़राब हो गया था। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने BCom की हुई है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया हुआ है, एनिमेशन भी किया हुआ है, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर पाता था। सिर्फ नशे में रहता, ना अपने घर परिवार की तरफ ध्यान देता था, बस पूरे दिन नशे के चक्कर में रहता था। घर वाले भी परेशान आ गए थे, मैं भी परेशान आ गया था। चोरी वोरी सब करने लग गया था। सारे जो व्यवहार मेरे ख़राब हो गए वो नशे के कारण हुए, ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त है जो आज भी रिकवरी में चल रहा है, वो सेंटर काटे गए हैं यहाँ पे, रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसने मुझे यहाँ पे सेंटर में भेजा, लास्ट ईयर सेंटर में भेजा देहरादून, ठीक है। तब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिया, 12 स्टेप प्रोग्राम है, ठीक है। प्रार्थनाएं की, स्लोगन याद किए, और धीरे धीरे यहाँ के माहौल में रहा, काम करे, अपने व्यवहार सुधारे, दिनचर्या बनाई, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टाफ है, जो डायरेक्टर साहब है, उन्होंने सपोर्ट किया, समझाया, तो आज मैं यहाँ, मेरे अंदर धीरे धीरे सुधार हुआ है। आज मैं अपने घर जाने की तरफ हूँ, और मेरे अंदर सुधार भी है, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई, नशा भी छूट गया है और मेरे व्यवहार भी सुधर गए हैं। जो घर वाले भी बात नहीं करते सही तरीके से, वो बात भी कर रहे हैं और बुला भी रहे हैं, और भी बहुत तरह का सुधार आ गया है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे फंस गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फंस पाऊंगा, निकल पाऊंगा कभी इस नशे से, लेकिन इस 12 स्टेप के प्रोग्राम ने बहुत साथ दिया मेरा। अगर ये 12 स्टेप का प्रोग्राम ना होता तो शायद मैं मर गया होता, या कहीं पागल वागल ही हो जाता, क्योंकि मेरी हालत पागलों वाली ही हो गई थी। मैं समझ ही नहीं पाता था, नहाता था, ना धोता था, ना खा पा रहा था, शरीर ही बिल्कुल खत्म हो गया था दोस्तों, बिल्कुल दुबला पतला सा जब मैं यहाँ पे आया था, बिल्कुल ही खत्म सा था। और आज मेरे अंदर बहुत सुधार है, ये खुद को भी दिखता है और घर वालों को भी दिखता है, इसलिए वो मुझे बुला भी रहे हैं। तो जो भी नशे से पीड़ित है, मेरे भाई लोग हैं जो भी यहाँ पे नशा करते हैं, जो भी मतलब, वो अगर अपने आप को सुधारना चाहते हैं, नशे से बचना चाहते हैं, अगर मौत नहीं चाहते दर्दनाक, तो किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में आए, ठीक है। तो इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, फायदा होगा। कि जो लोग बात कहते हैं कि रिहेब बेकार है, कुछ नहीं है, बंद कर देते हैं, टॉर्चर करते हैं, खाना बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। खाना भी लगेगा, सेहत भी बनेगी, दिमाग भी चलेगा आपका, सब कुछ होगा। रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत सही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर के कारण ही यहाँ पे सुधार हो रहा। और भी भाई हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत लोग हैं, सब में सुधार है, सब में दिखता भी है सुधार, देखने पर चलता है कि हाँ भाई, सुधार हो रहा है बंदे में। ये नहीं है कि बेकार में पैसे बनाने का काम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सेवा भाव है एक तरीके का। कि जो हमारे यहाँ के लास्ट रिहैब के डॉक्टर साहब हैं, वो पहले खुद भी करते थे, लेकिन अब उनके अंदर सुधार आया, तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि हाँ भाई, मुझे आगे सुधारना है। ऐसे मेरे अंदर सुधार आया, तो मुझे भी उठाना है कि आगे जो मेरे और नशेबाज भाई हैं, उन्हें मैं सुधार की तरफ लेके जाऊँ, उन्हें संदेश पहुँचाना है कि 12 स्टेप प्रोग्राम क्या चीज़ है, क्या नहीं। क्योंकि आधों को तो पता ही नहीं है, आधों को तो यही पता है कि सेंटर में गए, अंदर बंद कर दिया, बस खत्म, अपना ट्रीटमेंट का अपना बाहर निकाल देंगे। लेकिन एक तरीके से कॉलेज ही है, क्लासेस बोल दो कि क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, कुछ भी कोचिंग सेंटर बोल दो, कुछ भी मतलब जो नॉर्मल है, आपको सिखाएंगे सब कुछ, एक एक चीज सिखाएंगे, जो आपको शायद नर्सरी क्लास से चालू होता है पैटर्न बेसिक, वो चालू होगा। धीरे धीरे आप खाना की तमीज आएगी, नहाने की भी, हर तरीके से नॉलेज मिलेगी आपको, A to Z, कि किस तरीके से अपना सोवर लाइफ जीनी है, ठीक है भाई। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी आपके पास है, बाप के भाई हैं, बहन है, जो भी मतलब बाप है, जो भी मतलब नशे से पीड़ित है, शराब पीता है, सुल्फा है, ब्राउन शुगर, कुछ भी नशा वशा लेता है, उनके लिए बस मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लास्ट रिहैब देहरादून में है, ठीक है। ये तो संस्था है ही, अगर आप इसमें नहीं आ सकते, आपके पास जो भी आसपास आपको जो भी सही लगे, 12 स्टेप प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में जाइए, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट काटिए, और भाई साहब आपको बहुत सुधार मिलेगा अपने आप में, मेरा दावा है आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।